मेयर बन चुकी हैं अब लखनऊ की संयुक्ता भाटिया। ये पहली बार, क्योंकि 100 वर्षों में पहली बार कोई महिला मेयर लखनऊ को मिली और वो संयुक्ता भाटिया के रूप में। आपको बताते चलें कि संयुक्ता भाटिया को 377,166 वोट हासिल हुए हैं और वही मीरावर्धन दूसरे नंबर पर रहते हुए 245,810 वोट मिले। इसी के साथ साथ कांग्रेस की प्रेमावस्थी और बसपा की कई और भी थी, लेकिन जिस तरीके से प्यार दुलार और आशीर्वाद जनता का संयुक्ता भाटिया को मिला है वह देखने वाला था। हालांकि लगातार कैंपेनिंग, लगातार लोगों से मिलना संयुक्ता भाटिया का जारी था, जिसी का नतीजा है कि 3 लाख से अधिक वोट संयुक्ता भाटिया को प्राप्त हुए। एक बात और बताते चले आपको कि इससे पहले जो इनका इतिहास रहा है, संयुक्ता भाटिया के परिवार की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ी रही है। उनके पति सतीश भाटिया 2 बार लखनऊ कैंट से भाजपा विधायक रहे। पहली बार उन्होंने ही इस सीट पर 1991 में जीत दर्ज कराई थी। इसी के साथ साथ संघ से जुड़े रहना और भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करते रहना संयुक्ता भाटिया कर की नीति और रीति रही है। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी में अपना अपना जो प्रतिफल है वो देती रही है, अपना कर्मफल देती रही है, जिसका नतीजा ये रहा कि उनको मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा गया और आज जीत कर पहली महिला मेयर के रूप में लखनऊ को मिल चुकी है। ये अब तक का संयुक्ता भाटिया का रिजल्ट रहा है और संयुक्ता भाटिया विजय हो चुकी प्रमिला पांडे अब मेयर बन जाएंगी, लेकिन उनका अंदाज भी जान लीजिए। बंदूक चलाना और रिवॉल्वर रखना उनका शौक है। अब तक 7 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं इन रिवॉल्वर दादी पर। इनको प्यार से लोग रिवॉल्वर दादी और रिवॉल्वर चाची भी कहते हैं। उस समय जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई, उस समय एक महिला जो अकेले ही ढोलक लेकर मैदान पर उतर गई, यानी सड़कों पर जश्न मनाने उतर गई, वो प्रमिला पांडे ही थी। प्रमिला पांडे का इतिहास जान लीजिए। प्रमिला पांडे पूर्ण रूप से जौनपुर की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी कर्मभूमि कानपुर ही रही है। पति रजिस्ट्रार ऑफिस से रिटायर्ड हैं। 12वीं तक पढ़ी प्रमिला लंबे समय तक आरएसएस से जुड़ी रही। इसके बाद सिविल लाइंस वार्ड 12 से 2 बार पार्षद चुनी गई। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बीजेपी के किसी भी प्रदर्शन में वो हमेशा अपनी स्कूटी पर पार्टी के 4 झंडे लगाकर सबसे आगे रहती है। लोग उन्हें चाची, युवा दादी और दीदी के नाम से पुकारते हैं। उनके पास पर्सनल बंदूक और रिवॉल्वर, जबकि पति के पास भी बंदूक और रिवॉल्वर है। दादी के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज है। अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो नकद समेत चल संपत्ति 1.32 करोड़ है, जबकि पति की कुल मिलाकर अचल संपत्ति 5.5 करोड़। एक बात और जान लीजिए कि रिवॉल्वर दादी नाम कैसे पड़ा। बताया जाता है कि प्रमिला हमेशा अपने साथ लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर चलती है। वहीं एक बार जब रिवॉल्वर और बंदूक के साथ सोशल मीडिया पर उनकी फोटो वायरल हुई, तभी से उन्हें लोग रिवॉल्वर दादी और रिवॉल्वर चाची के नाम से पुकारने लगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उनको सांपों से भी डर नहीं लगता। वो सांप को पकड़कर अपने हाथ से ही दूध पिलाती हैं। ये देखें, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि सांप कैसे प्रमिला पांडे दूध पिलाती है। निडर, और देखते हैं कितनी निडरता के साथ अब कानपुर के लोगों का भविष्य संवारती हैं या बिगाड़ती हैं प्रमिला पांडे। ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन प्रमिला पांडे कानपुर की मेयर